नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मांडू पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में प्रशिक्षण सतत चलने वाली अभ्यास प्रक्रिया है, इसमें कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और क्या कुछ कहा, देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। कांग्रेस के हमले निष्प्रभावी हैं और निष्प्रभावी ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति में अभ्यास वर्ग का विशेष महत्व है। भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है कि वर्ग के माध्यम से योग्य कार्यकर्ता का निर्माण करना, जिससे कि वो जिस क्षेत्र में भी दायित्ववान कार्यकर्ता बने, वो अपने दायित्व को ठीक से निर्वहन करे, जनसेवा करे, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दे। इस दिशा में वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए राज्य स्तरीय वर्ग संपन्न हो रहा है। लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, बारिश भी गिर रही है, इसमें कट रही है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप पर किसान को निर्भर रहना ही पड़ता है, लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप आता है उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसा सुरक्षा कवच किसानों को प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है। अभी तक 1,22,000 करोड़ रुपया किसानों को जहां नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए दिया गया है। आगे भी जो नुकसान की स्थिति है तो उसका सर्वे और आकलन की प्रक्रिया है वो होगा। राज्य सरकार उस दिशा में अवेयर है। नहीं, मैं समझता हूँ उस मामले में प्रयास किए जा रहे हैं। उमा भारती जो है शराब और नशाबंदी को लेकर जंगल में जाने की बात कर रही है, क्या बोल रहे हैं? बस कैलाश जी हैं।